राइट पर जाने वाले हैं। इन दो लोगों को आप जानते हो? इस रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है, ये किया है। क्या पहाड़ दिख रहा है यार सामने, बामनियाकुट सामने बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट बामनियाकुट के लिए। लफड़ा हो गया है कि यहाँ पर पुलिस वाला पीछे खड़ा है और अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि संडे को लॉकडाउन रहता है इंदौर में। प्लान तो बदलना ही पड़ेगा। चलो तो बस चलते हैं यहाँ से। तो अब हम आगे की ओर जा रहे हैं और नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है और राइड करने का तो एक अलग ही मज़ा आ रहा है। धीरे चला रहा भाई, ये उधर ही जा रहा है नहर और उधर रास्ता होगा आगे से 100%। वो देखो जा रहा कच्चा रास्ता। जस्ट अभी हमने डिसाइड किया कि नीचे चलते हैं पुल पर इस कच्ची सड़क से। बहुत भीड़ यार यहाँ पर, तो मजे कर रहे हैं। क्या शानदार ऑफ रोडिंग का पैच मिल गया ये, बहुत ही मजा आ रहा है। ओह वो और हाँ रे, वो गाड़ी पलटो गाड़ी पलटो। शमशाम घाट आ गया यहाँ पे, तो शमशाम घाट है, पलटो गाड़ी। तो कुछ जगह समझ नहीं आ रही, हम शमशाम घाट पहुँच गए थे और यहाँ पर बढ़िया नदी है साइड में, तो यहीं पर रोक लिया है। अभी कुछ लोग पीछे भी दिख रहे हैं, पार्टी वगैरह चल रही है वहाँ पर। और टूरिस्ट प्लेस जो मेन बामनियाकुट है वो तो बंद है आज, तो अब इधर ही कुछ एंजॉय करना पड़ेगा हमें। चलो नीचे चलते हैं। तो इधर आ चुके हैं हम, पीछे जो ब्रिज दिख रहा है आपको, उधर से हम नीचे उतर कर आए। उधर से एक रास्ता है, उधर से नहीं, इधर से एक रास्ता है। इधर से नीचे उतर कर आए हम, और क्योंकि मेहंदीकुंड वाटरफॉल और बामनियाकुंड दोनों ही बंद है तो लोग यहाँ पर ही इंजॉय कर रहे हैं, संडे मना रहे हैं। और मेन कैमरा मैंने अंदर ही रख रखा है क्योंकि पानी गिर रहा है। और पीछे का व्यू मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। थोड़ी आगे आए हम लोग तो यहाँ से और भी बेटर व्यू आ रहा है और बस अब इधर उधर ही भटक रहे हैं आज। जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं पाए और अभी मैगी बनाने का प्लान है तो देखते हैं हो पाता है अभी। और मैं यहाँ ऊपर आ गया थोड़ा व्यू देखने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट राइड रही थी। और मस्त एकदम बारिश के कारण सारे पानी के सूत्र भरे हुए हैं और एकदम पिकनिक चल रही है इंदौर के आस पास। तो ये जो पीछे का दिख रहा है ये है इस जगह का फाइनल व्यू और एकदम एंड पर खड़ा हुआ हूँ मैं, नीचे पानी है एज यू कैन सी। तो अब हम वापस बाइक पर जा रहे हैं और इससे बेटर प्लेस को ढूंढेंगे। ये भी बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। 15-20 मिनट रुके हम और बाकी लोग भी आ गए वहाँ पर, तो अब हम बाइक से जा रहे हैं। A few moments later. चलते हैं उस साइड का व्यू देखने।
आ जाओ। तो वो लोग वहाँ पर नीचे और मैं ऊपर आ गया हूँ और गजब व्यू मिल रहा है मुझे यहाँ से। और मेरे हिसाब से और ऊपर तक जा सकते हैं पर गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। और ऊपर भी ट्रैक का रास्ता दिख रहा है या जीप का रास्ता है क्या पता, पर बाइक छोड़कर जा नहीं सकते तो अब इधर के ही मज़े ले रहे हैं। मन तो बहुत है ऊपर जाने का पर बाइक का भी ध्यान रखना पड़ता है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? सुपर ऑसम, पर मेरे बाल गीले होने के बाद बहुत खतरनाक। तो वापस नीचे उतर रहा हूँ मैं, वो लोग ऊपर ही हैं क्योंकि मुझे बैग लेना था मेरा। और हम सोच रहे हैं अब यहीं पर मैगी वगैरह बना लेते हैं, बढ़िया जगह मिल गई है और बारिश भी बंद हो चुकी है तो हर चीज़ अपने हिसाब से चल रही है। अभी अरे बैग ले लेता हूँ वरना कोई ले जाएगा। चलते हैं वापस ऊपर। तो इस जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता, नॉर्मली रोड से जा रहे थे, रोड पर आ गए कि देखते हैं और क्या है यहाँ पर। तो ऑफ रोडिंग का एक ट्रैक दिखा हमें तो हमने सोचा चलते हैं देखते हैं क्या होगा। और इतनी सुंदर जगह पर आ गए हम, एक पहाड़ के ऊपर है छोटे से पहाड़ के पीछे और इधर एक लेक है, मतलब पानी भरा हुआ है आप लोग देख सकते हो। ट्रैवलिंग की बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि आपको पता नहीं है इस टाइप की ट्रैवलिंग की कि आप बस जा रहे हो और एकदम से कोई जगह पसंद आती है वहाँ पर रुक जाते हो और फिर अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि प्लान्ड नहीं रहता ना, एकदम स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती है तो बहुत ही मज़े आते हैं इसमें मुझे। गाइस बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, एकदम मैगी का प्लान तो कैंसिल हो गया क्योंकि हवा इतनी चल रही है। और मस्त फोटो वगैरह खींचे, बढ़िया चिल करा यहाँ पर। तो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन और कमेंट करो आपके फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।